आप अगर दुनिया के बादशाहों की बड़े बड़े कैसल्स देखें, मैं भी पिछले हफ्ते यूरोप में था, 500 साल पुराने कैसल्स हैं, बड़े बड़े महल बने हुए हैं, अब उन्हें जाके देखें तो कुछ ऐसी अजीब चीजें नजर आएंगी। मसलन मसलन उसमें लिखा हुआ था कि ये जो विंडो ग्लास, ये इतनी प्रेशियस कमोडिटी होती थी किसी की, हाँ ऐसी विंडो हो जिस पर ग्लास लगा हुआ हो, ये बिल्कुल नायाब था। तो बादशाह ये करता था अपना गुरूर तकब्बुर जाहिर करने के लिए उसको तोड़ देता था। कोई मेहमान आता था किसी भी बहाने से गुस्से में आकर, ये बतलाने के लिए कि मेरे पास, मैं इतना अमीर हूं, इतना दौलतमंद हूं कि देखो विंडो ग्लास मैंने तोड़ दिया, कल दूसरा लगवा लूंगा, ये उस पर तारीख लिखी हुई थी। आज ये मेरे और आप में से हर एक के घर में नहीं है, यानी उसका जो सरमाया था, उसे जिस चीज पर गुरूर तकब्बुर था, उसकी वैलिडिटी कितनी थी? मजीद 100 साल थी, 200, 300 साल थी, उसके बाद वो कोई काबिल फख्र बात नहीं थी। बात बाजू नहीं, उसने लिखा हुआ था कि उसने अपनी जौजा को एक पैरेट दिया जो कि जमाने में किसी ने देखा ही नहीं था पैरेट, और ये कीमती तरीन तोहफा था उस जमाने का। आज जो है वो हर तीसरी चौथी दुकान में मौजूद है, जहां से लेना चाहे जितने लेना चाहे ले लें, ये कोई काबिल फख्र बात ही नहीं। अपनी जिंदगियों में उन चीजों को अहमियत ना दें जिसकी वैलिडिटी डेट 50 साल से ज्यादा नहीं है। जिस आईफोन पर आपको आज बहुत ज्यादा गुरूर है, इससे 20 साल बाद इस पर लोग हंस रहे होंगे। 20 साल भी शायद मैं ज्यादा कह रहा हूं सेफ साइड पर, वरना आज से जो 15 साल पहले का फोन है, कोई लाते हुए भी शर्म महसूस करेगा। आज जो आपकी कार में फीचर्स हैं, वो 25 साल बाद लोग महंगे, ये लोग कैसे रोकते हैं? तो अगर मैंने अपनी जिंदगी इसलिए गुजारी थी तो मेरी लाइफ की वैल्यू, उसकी वैलिडिटी फकत 25 साल की, उसके बाद मेरी लाइफ, क्योंकि मैंने गुजारी इस काम के लिए। अपने बच्चों को आईफोन दे के खुश ना हो, अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दे के खुश ना हो। पहुंचने में मदद करना चाहता हूं, अपने बच्चों को दीन मिल के सलावत भेजे मोहम्मद आज रहा, अगर आपने अपने बच्चों के दिल में इन चीजों की अहमियत डाली कि बेटा जिंदगी किस खातिर है, तो उसकी जिंदगी की कदर कीमत चंद साल है। आपने अगर उसके दिल में मोहब्बत सैयद कौन सलाम को अच्छी तरह से रासिल कर दिया, इसकी जिंदगी की वैल्यू कयामत तक के लिए, ये प्रेशियस कमोडिटी होगा कयामत के दिन, जब सैयद कौन खुद अपने मुहिबीन को तलाश कर रहे हैं। माता जुमला अजीब है, तो वहां ये मेयार नहीं होगा जब तलाश करनी होगी बीबी कि कौन किस ब्रांड के कपड़े पहन रहा था और कौन किस मॉडल की गाड़ी चला रहा था, वहां मेयार ये होगा कि किसके दिल में कितनी सैयद कौन की मोहब्बत थी, वो कितना देख रहा था। तो क्या मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप इन चीजों को इस्तेमाल ना करें? मैं भी ये नहीं कहना चाह रहा, अब साहिबान शुक्र है, मैं कहना चाह रहा हूं कि आप हलाल से इसे हासिल करते हैं, हलाल से इस पर खर्च करते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन ये चीजें किसी इंसान की वैल्यू नहीं है। ना खुद की वैल्यू इनसे बनाइए, ना किसी और की वैल्यू को इस पर जज कीजिए। एक और सलावत देते मोहब्बत फातिमा, मैं ये नहीं कह रहा कि आप इस मोबाइल को यूज नहीं करेंगे, जदीद दौर के तकाजा कहने के आप इसको यूज करेंगे, लेकिन ये आपकी वैल्यू नहीं बनाता, ये आपकी शख्सियत नहीं बनाता। आपकी शख्सियत का वजन ये चीजें नहीं है, आपकी शख्सियत का वजन ईमान है, आपकी शख्सियत का वजन तकवा है, आपकी शख्सियत का वजन इल्म है, आपकी शख्सियत का वजन किरदार है, आपकी शख्सियत का वजन निगाहों की पाकीज़गी है, आपकी शख्सियत का वजन जबान की तवानत है, आपकी शख्सियत का वजन तरबियत औलाद है, ये आपकी शख्सियत का वजन है। बात बाजी हो रही है।